आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन किसानों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक लिखित में नहीं आ जाते जब तक वो नहीं वहां से नहीं उठेंगे। हमारे साथ हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी। धनखड़ साहब, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी लेकिन किसान कह रहे हैं जब तक लिखित में आश्वासन नहीं आ जाता जब तक वो जाने वाले नहीं हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद कोई बात बचती नहीं है। बड़े सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है कि शीतकालीन सत्र में हम इनको रोल बैक कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। और किसान आंदोलन बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जिस स्थान पर हो रहा है वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ भी बहुत ज़ोर से प्रभावित हुई हैं, उनकी कीमत पर एक तरह से किसान आंदोलन हुआ है, ये बात हमको माननी चाहिए। वहाँ के जो टीकरी बॉर्डर की, कुंडली बॉर्डर की जो औद्योगिक इकाई है, उनको साल भर से बहुत नुकसान हुआ है। गरीबों को, मजदूरों को, उद्योग भी वहाँ छोटे छोटे हैं, वहाँ बड़ा उद्योग कोई नहीं है। छोटी औद्योगिक इकाइयाँ एक एक प्लाट में, 1000 गज के प्लाट में, 2000 गज के प्लाट में, ऐसी इकाइयाँ हैं। तो इस नाते से जो गरीब मजदूर हैं, जो छोटे उन उद्योगों के साथ काम करने वाले दुकानदार हैं, ऐसे सबका जो नुकसान हुआ है, उनको भी तुरंत अपनी आर्थिक आज़ादी इसमें से मिलनी चाहिए। अब जब ये हो गया है कि भाई जो किसानों की मुख्य मांग थी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर ली है, तो आज गुरु पर्व पर मैं चाहूँगा कि किसान संगठन भी ये निर्णय करें कि अब हम यहाँ ऐसा इस तरह से सारी चीज़ों को रास्ता दे देंगे कि इनकी आर्थिक गतिविधियाँ सबकी सुचारू रूप से शुरू हो जाए। लेकिन सर, अब जिस तरीके से MSP को लेकर भी पैच फंसेगा, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि तीनों कृषि कानून बिल नहीं, अब MSP जो है उस पर भी चर्चा होगी। देखिए, निश्चित रूप से MSP पर सदा चर्चा रही है, कोई नई बात नहीं है। और बहुत समय ऐसा रहा है जब कांग्रेस पार्टी ने 1-1 रुपया, 5-5 रुपये MSP बढ़ाया है। मोदी जी आने के बाद एक फार्मूला तय हुआ कि 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे, मतलब किसी के सुधारवादी बड़े कदम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लिए गए। फसल बीमा का इतना बड़ा व्याप होना, किसान सम्मान निधि शुरू होना, किसान पेंशन की अटल पेंशन योजना के तहत किसानों को भी पेंशन मिले इसकी योजना बनाना, तो इस नाते से मैं कहूँगा कि एक जो सुधारवादी स्टेप नरेंद्र मोदी जी के समय में लिए गए हैं, और ये कानून भी उसी प्रकार से सुधारवादी स्टेप के रूप में थे, तो MSP पर भी जो है कमेटी बनाने की बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही है। और मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें एक विषय है कि रिसोर्सिस इसमें मैटर करते हैं कि कितने संसाधन MSP पे खर्च हों, तो उनकी व्यवस्था पर विचार करते हुए इसलिए कमेटी आवश्यक है। मुझे लगता है इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छी खरीद, बढ़ी हुई खरीद इस सरकार ने की है। PSS स्कीम के तहत दलहन तिलहन खरीदने के लिए सरकार ने खूब पैसा दिया है, और राज्य सरकारों ने भी, हरियाणा में तो आपने देखा है कि मोटे अनाजों की खरीद भी हमने राज्य सरकार के भरोसे भी की है। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी खरीद जिस इस सरकार के समय में हुई है, इससे पहले किसी और सरकारों के समय में नहीं हुई। सरकार कमिटेड है, तो जो भी रास्ता उपलब्ध रिसोर्सेज के माध्यम से बनेगा, सरकार उस पर आगे बढ़ने के लिए कमेटी बना रही है। क्योंकि सर, कुछ राज्यों में चुनाव हैं, क्या उस दबाव की वजह से सरकार ने ये बिल वापस लिए हैं? क्योंकि सरकार हमेशा अपने जो कार्य हैं उसको लेकर तो अपनी जो है पीठ थपथपाती है, क्योंकि कृषि कानून बिल को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि किसानों के लिए अच्छे बिल हैं, लेकिन मंत्रियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, समझा पाते तो ये जरूरत नहीं पड़ती रोल बैक करने की, निश्चित रूप से। और नरेंद्र मोदी जब सोचते हैं तो देश के लिए सोचते हैं, सब वर्गों के लिए सोचते हैं, वो केवल चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं सोचते। हाँ, प्रतिपक्ष के लोग हैं वो ऐसी बात कहेंगे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो चुनाव को देखकर सोचते हैं, जिसकी जहाँ नज़र होती है वो वैसी बात करता है। तो जिनकी नज़र वैसे, मतलब जो काम जैसा करते हैं, जैसी सोच है, अब जैसे मान लो किसी की निगाह प्लाटों पर रहती है, तो जब चांद पे गए तो बोला उसने कहा चांद पे ही प्लाट कटेंगे। अब कोई चांद को मामा के रूप में देखता है, कोई चांद को अपने किसी और रूप में देखता है, तो लेकिन जमीन वाले ने कैसे देखा, प्लाट काटने वालों ने कैसे देखा, बोला वहाँ भी प्लाट कटेंगे। इसलिए जो चुनावी राजनीति के केवल वो हैं जिनको बाकी राष्ट्र की राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे प्रतिपक्षी लोग इसको चुनावी राजनीति के रूप में देखेंगे, उनका नज़रिया वैसा ही रहने वाला है, और उनका नज़रिया इसी में से अभिव्यक्त भी होता है। अच्छा सर, 26 जनवरी की घटना भी घटी और उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना घटी है, क्या जो इस दौरान केस किसानों पर हुए हैं क्या वो भी वापस लिए जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार ने इतने बड़े मन से जब फैसला लिया है, तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों में सरकार ने पहले भी बहुत संवेदनशीलता, आंदोलन के प्रति संयम दिखाया है।
मैं देख रहा था कि इतनी घटनाओं में सरकार का संयम बहुत गजब का था, तो इसलिए मुझे लगता है कि जब इतना संयम पहले दिखाया है, इतनी संवेदनशीलता पहले दिखाई है, तो निश्चित रूप से अभी भी बड़े मन के साथ फैसले होंगे। अच्छा, सरकार दबाव में ये फैसला लिया है क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आ रहे थे उसको भी किसानों के दबाव में वापस लिया था, आज जिस तरीके से कृषि कानून बिल वापस लिया है, क्या सर मानते हैं कि किसानों का दबाव रहा है? देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार किसकी होती है, जनता की, जनता की प्रतिनिधि होती है सरकार। सरकार किस लिए स्टेप उठाती है, लोगों की भलाई के लिए, और एक प्रक्रिया हमेशा चलती है कि सुधार, सुधारों से कुछ अगर साइड इफेक्ट आते हैं तो फिर से सुधार, ये हमेशा चलेगा। जैसे पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, आज जल मंत्रालय पीने के पानी की सब जगह व्यवस्था कर रहा है, लेकिन पहले कीचड़ भी नहीं था, जब कीचड़ आएगा तो नेक्स्ट स्टेप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। तो सुधार प्रति सुधार, ये प्रक्रिया हमेशा चलती है। कभी कभी जब सुधार के कदम उठाए जाते हैं तो कुछ वर्गों को उसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। कुछ वर्ग ऐसे भी रहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, ये सही रास्ते पर नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि कुछ समूहों को अगर ऐसा लगा कि अभी इसमें जल्दी हो रही है, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि अभी वापस लेते हैं, जब ध्यान में आएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल, ये थे ओपी धनखड़ जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।